ग्रीन पटाखे हैं कम नुकसानदायक। दीपावली पर पटाखे ना जलाए जाए तो सेलिब्रेशन अधूरा सा लगता है, मानो खुशी का प्रतीक पटाखे की रोशनी ही है। जैसे ही पटाखे की रोशनी और आवाज़ होती है, वैसे ही लोगों के मन खिल उठते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक त्यौहार पर पटाखे जलाते हैं, लेकिन इससे निकलने वाली गैस हवा को जहरीला बना देती है। यही कारण है कि तमाम जगहों पर पटाखों को लेकर बैन कर दिया गया है। इसी कारण से सामान्य पटाखों की जगह ग्रीन पटाखे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि ग्रीन पटाखे पॉल्यूशन फ्री होते हैं। दिल्ली सरकार ने भी पटाखों पर बैन लगा दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने इसका विरोध भी किया। वही भागलपुर के जनमानस कहते हैं कि प्राचीन काल में जब श्रीराम 14 वर्ष वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, तो तमाम अयोध्या वासी ने खुशी का इजहार करते हुए अपने अपने घरों में दीपक जलाया था और आतिशबाजी के लिए पटाखा भी फोड़ा था। अतः ग्रीन क्रैकर्स पटाखे कम नुकसानदायक हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो कहती है, उसे हम लोग अवश्य करेंगे। इसे दिल्ली सरकार बिल्कुल सही कर रही है, ग्रीन पटाखा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा पटाखा छोड़ने से प्रदूषण में हानिकारक होता है, वायु प्रदूषण होता है, इसलिए ग्रीन पटाखा को सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें धार्मिक हम लोग जैसे कि पुराने ज़माने से चल रहा है कि राम जी जब रावण लंका से विजय प्राप्त करके आए थे, लौटे थे, तो उसी के खुशी होकर हम लोग दीपावली मनाते हैं, दिया दीप जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। और वो दिल्ली सरकार सही कर रही है, आतिशबाजी से प्रदूषण फैलता है, उसके लिए ग्रीन पटाखा का ही इस्तेमाल करें। पटाखा होना ही चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारे जान माल समाज के अंदर जो है वो उसका नुकसान न हो, इसलिए ग्रीन पटाखा चाहिए। और ये मान्यता से जुड़ा हुआ है, इसको हम रोक तो नहीं सकते हैं। और ये जो है हमारे राम राजे जब आई थी, उस समय ही हम लोग खुशी का इजहार करने के लिए दीपक जलाया था और पटाखा छोड़ा था। वही हमारी सभ्यता में संस्कृति में जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए हम लोग आज मनाते हैं। इसलिए ग्रीन पटाखा हो और सुरक्षित रहे। हम लोगों का कहना है कि ग्रीन पटाखा हर एक परिवार के लिए, समाज के लिए भी सुरक्षित है और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। ऐसे क्या है कि बहुत सारे बाजार में बम घाती पटाखा बिकता है, जिससे कि बच्चे लोग को परिवार में भी क्षति होता है, किसी के हाथ में फट गया, पोल्यूशन भी होता है, ध्वनि पोल्यूशन होता है। इससे लोगों को बचना चाहिए और ठीक है पर्व है, उल्लास मनाना है, सबको मनाना चाहिए, लेकिन ग्रीन पटाखा का ही उपयोग करें सब लोग। सबसे पहले तो देशवासियों को धनतेरस और दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि ये खुशी का माहौल है तो पटाखे तो फूटनी चाहिए, लेकिन ग्रीन पटाखा यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े पटाखा को यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी हानियां होती है, जैसे कि वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और आपके पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। तो और ये बच्चे भी इससे बहुत प्रभावित होने लगे हैं, जिनको बच्चे को बहुत ही क्षति होती है बड़े पटाखों से। तो सरकार का मानना ठीक है, ग्रीन पटाखा आप यूज कर सकते हैं और इस दीपावली को अच्छे से मना सकते हैं। भाजपा इसके धार्मिक मान्यता से जोड़ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में माना गया है कि जब राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वालों ने पटाखे और दीप जला करके उसको शुभकामनाएं दी थी और ये खुशी का माहौल बनाया गया था। तो ये भी मानना सही है और आप ग्रीन पटाखा के द्वारा आप इस दीपावली को अच्छे से मना सकते हैं।